2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन दिनों यूपी में एक नया प्रयोग चल रहा है और वो प्रयोग है धर्म की राजनीति के खिलाफ जाति की राजनीति वाला प्रयोग। यहाँ पोस्टर लग रहे हैं कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। खुद अखिलेश यादव भी ऐसे बयान दे चुके हैं, तो उन्हीं की पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग तक कर चुके हैं। इन सब के बीच योगी सरकार में मंत्री गुलाब देवी का बयान सामने आया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है और कहा है कि मैं शूद्र हूं और मंच पर बैठी हूं। पार्टी ने पहला स्थान दिया हुआ है। मैं शूद्र हूं और मैं बैठी हुई हूं मंच पर और सबसे पहला स्थान मुझे दिया हुआ है पार्टी ने, और हमेशा ही पार्टी मुझे लेके चली है, ये प्रमाण है इस बात का। ठीक है, ये उनकी भावनाएं हैं, समझती है तो ठीक है, हम इसमें क्या कहेंगे। बीजेपी ने हमें कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया, उनका ये कहना है। वो क्या कहते हैं, हमें उसमें नहीं जाना है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी जाति को लेकर, किसी वर्ग को लेकर कोई कार्य नहीं करती है। ये विपक्ष का सोच है और विपक्ष इस संबंध में कुछ भी सोच सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। मंदिर में कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, उनका कहना है कि वहां पर हमें शामिल नहीं होने दिया। अब वो कह रहे हैं, हम तो ठीक है, वो जो भी कह रहे हैं वो जाने, हमें इस संबंध में कुछ कहना नहीं। वहीं रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के सवाल पर जवाब देते हुए, रामचरितमानस हमारी आस्था का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें दया है, त्याग है, कर्तव्य है, जो मानवता का प्रतीक है। रामचरितमानस पर टिप्पणी वो व्यक्ति करेगा जिसमें इंसानियत नहीं होगी। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है हमारे हिंदुओं का, आस्था का प्रतीक है, जिसमें दया है, धर्म है, कर्तव्य है, त्याग है, जो मानवता का प्रतीक है। जिसमें मानवता के गुण नहीं होंगे वही इस प्रकार की बातें करेगा रामचरितमानस के बारे में, और जरा भी इंसानियत होगी, जरा भी मानवता होगी, वो व्यक्ति कभी भी इस तरीके की, कोई भी व्यक्ति इस तरीके की बातें नहीं कर सकता। हमने कहा आपसे कि ईश्वर के यहाँ बहुत बड़ा न्याय है, भगवान ने आज उनको इस लायक नहीं छोड़ा है कि वो कुछ कर सकें, केवल कहने के लायक ही छोड़ा है, वो जहाँ तहाँ कह रहे हैं और अपना मन की भड़ास को निकाल रहे हैं। संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद के 2024 में केंद्र में बीजेपी सरकार का नामो निशान मिटने वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि नामो निशान किसका मिटा हुआ है। किसी के कहने से किसी का नामो निशान नहीं मिटता। 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की प्रचंड सरकार बनेगी। हाँ ठीक है, वो जो कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए, ये तो रिजल्ट बताएगा कि हम सत्ता में आएंगे या फिर उनकी भविष्यवाणी सही होगी। अखिलेश का ये कहना है कि बीजेपी वर्तमान में भी आप देख लीजिए नामो निशान किसका मिटा हुआ है, भविष्य भी बताएगा कि नामो निशान किसका मिटेगा। ऐसे कहने से किसी का नामो निशान नहीं मिटता। भगवान जिसको बना के रखते हैं ना, वो उसकी प्रचंड सरकार बनती है और बीजेपी की प्रचंड सरकार बनेगी। आपको बता दें कि गुलाब देवी संभल में बीजेपी की जिला कार्यालय समिति की बैठक में पहुंची थी, जहां उन्होंने केंद्रीय बजट को कल्याणकारी बजट बताते हुए उसकी सराहना की। गुलाब देवी ने कहा कि कल्याणकारी बजट है और सभी के लिए सराहनीय बजट है।